आइए अब हम अररिया की नुमाइंदगी करने वाले पांच बार सांसद रहे आली जनाब सुखदेव पासवान से गुजारिश करेंगे कि बहुत अदब के साथ तशरीफ लाएं और जनाब सीमांचल गांधी की कुर्बत आपकी रही है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो सिसोना हो, चाहे वो पटना और अररिया हो, आप उनसे करीब रहे हैं। हम चाहेंगे कि जनाब सुखदेव पासवान जी को पांच मरतबा आपने मुंतखब किया है, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें और आज वो बतौर खास तशरीफ लाए हैं अपने चाचा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आदरणीय श्री सुखदेव पासवान, इस जलसे सेमिनार के अध्यक्ष जी, हमारे छोटे भाई अररिया के सांसद सरफराज भाई, हमारे छोटे भाई जोकीहाट के एमएलए साहब, मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोग, इस समय सुभाष स्टेडियम आए हुए जिले के जिले से बाहर से तमाम अतिथि भाइयों का मैं आदाब सलाम करता हूँ। भाइयों, आज हमारे चाचा तस्लीम साहब का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, उसके बाद मोशायरा का कार्यक्रम होगा। वास्तव में भाइयों, आज हमारे चाचा तस्लीम साहब का श्रद्धांजलि सभा है, उसके बाद मोशायरा होगा, तो निश्चित रूप से जब हम एमपी नहीं थे तो हम लोग जयप्रकाश राव का आंदोलन हो और कोई भी कार्यक्रम हो अररिया जिला के लिए, बिहार के लिए, तो हम लोग एक साथ पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे और बहुत चीज चाचा से मुझे सीखने का मौका मिला। और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से चाचा भी पार्लियामेंट में थे और भतीजा भी पार्लियामेंट में थे, हम दोनों एक साथ, वह हम अररिया से एमपी रहा करते थे तो वह कभी पूर्णिया से तो कभी किशनगंज से वह भी एमपी रहा करते थे। हम लोग अररिया का विकास कैसे हो, हम लोग निश्चित रूप से आपस में विचार विमर्श करके हम लोग कहते थे कि सुखदेव तुम ही को ही करो ही करो, तो निश्चित रूप से चाचा का जो मुझे स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हुआ उससे हम अररिया में हमसे जो हो पाया तो मैं निश्चित रूप से किया। यह तो निश्चित रूप है चाचा का और मेरा ही सहयोग से आप देख रहे हैं, जोगबनी से कटिहार बड़ी लाइन आप NH देख रहे हैं, पावर ग्रिड देख रहे हैं, बहुत सारा योजना, चाहे हल्दिया RS से लेकर खबासपुर होते हुए गलगलिया, चाहे अररिया से रानीगंज होते हुए सुपौल, बहुत सारी योजनाएँ जो वर्षों से लंबित है, चचा जो शिलान्यास करवाए थे लालू जी से, उसमें पैसा जितना मात्रा में पैसा देना चाहिए वो विकास का काम वो अवरुद्ध है। हम अपने छोटे भाई सरफराज भाई से भी आग्रह करेंगे, वह तो दिन रात लगे रहते हैं सरफराज भाई कि अररिया में हम विकास कैसे द्रुत गति से करें, लेकिन समय 6 महीना अभी तो मुश्किल 7-8 महीना हुआ सरफराज भाई का और फिर सर पर लोकसभा का चुनाव आया है, तो हम आप लोगों से निश्चित रूप से, तमाम आए हुए लोगों से, जो नहीं भी आए हमें उनसे मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आप अररिया के वर्तमान सांसद को दुआ और आशीर्वाद दोनों दीजिए कि फिर पुनः 5 साल ये दोबारा बने, ताकि जो चाचा का छूटा हुआ काम है, मेरा जो छूटा हुआ काम है, वह सरफराज भाई निश्चित रूप से अररिया के विकास में सहयोग दें। तस्लीम साहब के विषय में लोग कहते हैं सीमांचल गांधी, मैं तो कहता हूं सीमांचल के साथ साथ ये बिहार के गांधी हैं, इसका मुकाबला कोई भी नेता बिहार में इतना जो विकास करना चाहिए था सीमांचल में वो कोई नहीं कर सका। मैं चाचा जी को अपने श्रद्धांजलि देकर आप तमाम भाइयों को सलाम प्रणाम करता हूं।